मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के दूला पहाड़ का है, जहां आज पहाड़ पर ब्लास्टिंग के लिए पत्थरों में होल कर उसमें बारूद भर दी गई, लेकिन दोपहर अचानक आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से ब्लास्ट हो गया और पहाड़ पर काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। इस हादसे में कई मजदूर पत्थरों के नीचे दबे होने की भी आशंका के चलते पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसा होते ही पहाड़ संचालक मौके से फरार हो गया, जैसे उन्हें मजदूरों से कोई सरोकार ही नहीं। पत्थर मंडी में यह कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ आए दिन मजदूर काल के गाल में समाते हैं, लेकिन खनन माफिया चंद रुपए देकर मामले को दबा देते हैं। इस पहाड़ का खनन पट्टा 2016 में ही समाप्त किया जा चुका है। पहाड़ पर पत्थर तोड़ने के लिए सैकड़ों मजदूर दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात काम करते हैं। अचानक पहाड़ पर काम कर रहे 27 वर्षीय भुनेश, शिवराम, देवी यादव और राजू अवैध रूप से संचालित पहाड़ पर ब्लास्टिंग का काम करते थे। आज ब्लास्टिंग के लिए सभी तैयारियां चल रही थी कि अचानक आकाशीय बिजली गिरी और पूरे पहाड़ पर ब्लास्टिंग के लिए बिछाया गया विस्फोटक ब्लास्ट हो गया और सभी मजदूर पत्थरों में दब गए। आनन फानन में पहाड़ के आसपास के लोगों ने दबे हुए मजदूरों को निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जिसमें से भुनेश बुरी तरह पत्थरों से दबा हुआ था। पुलिस के पहुंचने के बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सबको निकाला गया। भुनेश के शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पूरे मामले में अवैध पहाड़ संचालक सामने नहीं आया। लोगों की माने तो पहाड़ पर 3 साल से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। यहां पे काम कर रहे थे पहाड़ पे, फिर क्या हुआ? ब्लास्टिंग कर गई, दब गए। अच्छा, कितने लोग? हम पांच लोग थे और बाकी तो निकल गए। 3 घायल हो गए, दो लोगों को और लगा है। 3-4 लोग हैं और निकल गए हैं अस्पताल में। 3 लोग अस्पताल में निकल गए, चौथा जी है। 4 लोग फंस गया था क्या? हाँ, फंसा था। अभी पत्थरों दब गया। किसका पहाड़ है जी? किसका? कमलेश यादव। कमलेश सोनी का। कमलेश सोनी चला रहा था और पट्टा धारक का नाम नहीं मालूम। दिनेश अग्रवाल। मैं पहाड़ नंबर 1 पर काम करते समय एक मजदूर जिसका नाम भुवनेश्वर है, पत्थरों से दब करके उसकी मृत्यु हो गई है। उसके घर वालों से अभी बात नहीं हो पाई है, घर वाले लोग आ रहे हैं, उनसे बात होगी। जो भी प्रार्थना पत्र देंगे उसके हिसाब से उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी। विस्फोट में मरा है या बिजली से मरा है, ये जांच का विषय है। जांच करके जो भी सामने आएगा तथ्य, उन तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 100 दबा हुआ था पत्थरों में, हाँ, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट से ही मरा है, क्या और भी दबे होने की आशंका है? वहाँ अभी हमने अपना ऑपरेशन LNT मंगवा के पूरा चेक करा लिया है। अभी फिलहाल कोई सामने दिखाई नहीं दिया है, और अपने हम लोग यहाँ मौजूद थे जो LNT ने पत्थरों को हटा करके चेक किया है, तो उसमें यही एक लड़का नीचे दबा हुआ मरा। वही पूरे मामले में खनन विभाग और आला प्रशासन कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अवैध रूप से संचालित पहाड़ पर जिला प्रशासन मेहरबान था, तभी खनन माफिया बीते 3 साल से बेखौफ मानकों को ताक पर रखकर अवैध खनन करने में लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज, महोबा।